नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सहकारी उचित मूल्य की दुकानों पर सर्वर डाउन होने की वजह से खाद्यान्न मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्यारसपुर तहसील के अधिकतर दुकानों में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दर्जनों लोग लाइनों में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि 2-3 दिन तक खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान पर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सेल्समैन द्वारा बताया जा रहा है कि मात्र 10 से 15 पर्ची ही बड़ी मुश्किल से अपलोड हो पाती हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं को राशन देने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? क्या हो रहा है? क्या बात है? नाल नहीं मिल रहा है क्या? 8-10 दिन से मशीन बंद है यार। बंद है ये, भूख मर रहा है। हम कह रहा है 4-8 मिनट सारी मजदूरी छोड़े बैठे हैं। क्या बात है, आप बताइए क्या दिक्कत है? मशीन में क्या दिक्कत आ रही है? मशीन में क्या है, एक पर्ची निकली फिर चलेगा सर हमारे, एक पर्ची निकली सोवे से बैठी है जो अपनी पांच पर्ची निकली है। सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? गगन यादव। अच्छा, तो यहाँ पर आप उपभोक्ताओं को राशन बांटते हैं? हाँ। तो ये राशन के जो उपभोक्ता यहाँ पर घंटों इंतजार कर, क्या कारण है इनका? सर्वर के कारण। सर्वर में क्या दिक्कत आ रही है? अब ऊपर से ही सर्वर चले जाते हैं तो मशीन कहाँ खुलेगी फिर? अच्छा, जब से ये नई मशीन आई जब से दिक्कत आ रही है, इससे पहले भी आई तो? और नहीं, ये नई मशीन आई, इससे ही हो रही है। नई मशीन के कारण दिक्कत आ रही है, इसमें सर्वर जा रहा है। तो इसकी आपने कंप्लेंट वगैरह ऊपर की कि नहीं, बताया अधिकारियों को? नहीं, वो तो PDS पे ग्रुप में डाल देते हैं अपन। अच्छा, तो शिकायत का निराकरण का कब तक बोला अधिकारियों ने? नहीं, इसका कुछ नहीं है, वो तो सर्वर जैसे आ जाते ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ये सभी जगह प्रॉब्लम हो रही है केवल आपके ही हो रही है? नहीं, सब जगह टोटल, सब जगह हो रही है। जहाँ पे मशीनें जहाँ तक बटी है सब जगह यही है। अच्छा। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।